हाय, इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं जो बहुत लोगों के कन्फ्यूजन है कि हर्बल कंट्रोल को यूज़ करें या सेल्यूलोस को वेट लॉस के अंदर यूज़ करें। और इन दोनों टैबलेट के अंदर लोगों को, जैसे कि आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, एक सेल्यूलोस है और एक हर्बल कंट्रोल है, इसमें इतना बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों को। मैंने और भी इसके ऊपर वीडियो सेपरेट बना रखे हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताना चाहता हूँ इसके डिफरेंस क्या है, कब इसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। तो इस पूरे वीडियो को देखिए, शायद आपके कस्टमर को या फिर आप खुद कस्टमर है तो आपको भी ध्यान रहेगा कि हर्बल ऐप की जो भी हमारी टैबलेट है उसका सही समय क्या और हमें कौन से समय उसको स्टार्ट करना है। और बहुत बार ये लोग गलती क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जैसे सेल्यूलोस है स्टार्टिंग में स्टार्ट कर देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरा आपको बताने वाला हूं मैं क्या मेरे कस्टमर को रिकमेंड करता हूं, आप भी अपनी डाइट के अंदर इसको फॉलो करें और इस अच्छे रिजल्ट बना सकते हैं। सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेरे हाथ में है सेल्यूलोस। सेल्यूलोस का क्या है, कब लेनी चाहिए और क्या होता है। सबसे मेन, आप अपना बॉडी है आप ये समझिए। अब आपके बॉडी में क्या होता है, तीन तरह का वेट होता है, मतलब जो पूरा बॉडी बना हुआ है ना वो तीन तरह के वेट से बना हुआ है। सबसे पहला जो वेट होता है वो होता है बोन्स का वेट, मतलब आपके शरीर में जो भी अंग है उसका वेट होता है। अब वो वेट कभी भी आपका रिमूव नहीं होता है, वो तो आपको जो ऊपर वाले ने जो दिया है बोन्स दिए, वो जितना वेट है वो हमेशा वो रहता है। दूसरा तरह का जो वेट होता है वो होता है आपके बॉडी के अंदर फैट का वेट। जो इसमें दो तरह के फैट है, अच्छा फैट है बॉडी को जो चाहिए हमें, और दूसरा है जो एडिशनल फैट है जो हम क्या करते हैं गलत खान पान से हमारे अंदर आ जाता है। तो ये दूसरा वेट है जो फैट का वेट है। और तीसरा जो वेट होता है ना वो होता है हमारा वाटर, पानी का वेट, मतलब गंदा पानी जो हमारे शरीर में जमा हो जाता है उसका वेट। ये तो तीन तरह के वेट है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई, तो तीनों वेट होते हैं। अब इसमें से हमें जब वेट लॉस की बारी आती है, फैट लॉस की बारी आती है, तो हम कौन सा लूज करते हैं, एक तो वाटर जो हमारा होता है गंदा वो बाहर जाता है, दूसरा जो गंदा फैट होता है वो बाहर जाता है, और ये जो बोन्स है वो जैसे हैं वैसे रहते हैं। तो आपको अभी तक समझ में आ गया है कि हम जब वेट लॉस का स्टार्ट करते हैं तो हमारा सबसे पहले हम फोकस किस पे करते हैं, हमारे फैट के ऊपर, वेट के ऊपर। तो अभी तक आपको ये चीजें समझ में आई है कि भाई हम जो पहला जो हमारा एक्शन है, पहले महीने में जब हम वेट लॉस करने जा रहे हैं तो हम किस पे फोकस करेंगे, वेट पे और फैट पे। अभी सपोज हमने हमारा वेट और ये करने लगे, अभी हम बात करें कि सर ये जो गंदा पानी आप बता रहे हो, सेल्यूलोस हेल्प करती है वो गंदे पानी को बाहर निकालने में, मतलब कि आपका जो बॉडी में से गंदा पानी उसको बाहर निकालती है, लेकिन ये आता कैसे। तो सबसे मेन आपका जो आता है ये जंक फूड से आता है, क्योंकि आप जंक फूड जब भी यूज कर रहे हैं उसके अंदर ज्यादा बहुत बड़ी मात्रा के अंदर उसमें क्या आ रहा है, ऑयल आ रहा है और प्लस सोडियम आ रहा है, मतलब कि नमक वाली चीजें बहुत आ रही है। और आप देखेंगे जब भी जैसे आप चीज भी खा रहे हैं, और अभी तो लेटेस्ट एक किसी कंसल्टेंसी में किसी से बात कर रहा था, वो बोले सर मैं बहुत हेल्दी चीजें अभी खाता हूं, उसमें मैं चीज यूज करता हूं। मैं को भाई तुम चीज यूज कर रहे हो उसमें भी बहुत भारी मात्रा में सोडियम है। तो हम क्या करते हैं, फास्ट फूड के अंदर बहुत सारा सोडियम यूज करते हैं, नमक हमारी बॉडी में आ जाता है, जंक फूड हमारी बॉडी में आता है, गंदा ऑयल हमारी बॉडी में आता है। इस वजह से हमारा बॉडी का जो जहां से आप सोचें कि ये जैसे हाथ है यहाँ पे जमना चालू हो जाता है, आपका पेट वाला, हिप्स वाला, आपकी जांघें, ये ऐसी ऐसी जगह है जहां पे ज्यादा वाटर रिटेंशन हो जाता है, और आपको क्या होता है आपका बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा चबी चबी लगना चालू कर देता है। आप कभी भी महसूस कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, जैसे ही आप अपने बॉडी को जैसे हिलाएंगे पेट को, तो आपको पता चल जाएगा यार यहाँ पे ये चबी चबी सा महसूस हो रहा है। अब जब सपोज आपको ये दिक्कत हो रही है, तब बारी आती हमारी सेल्यूलोस की। ये आपको हेल्प करता है आपकी जो चबीनेस है उसको दूर करने में। अभी कैसे है, सपोज आपका शरीर ये है, अभी साइज ये है, जैसे ही आप अपना वेट लॉस स्टार्ट किया है, आपने 4-5 किलो लूज कर लिया है, अभी आपका बॉडी क्या हो रहा है, इंचेस में रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो वहां पे आप समझ जाइए जो इंचेस में रिजल्ट नहीं दे रहा है और आपका बॉडी चबीनेस ज्यादा है, तो फिर यहाँ पे हमारा सेल्यूलोस वर्क करता है। जैसे कि मैंने मेरे और भी वीडियो में बताया हुआ है कि कब हमें स्टार्ट करना है, हमें एटलीस्ट 5 से 8 किलो के बाद आपको क्या करना है, हमारा जो सेल्यूलोस है इसको यूज करना है। अब इससे क्या होगा, ये हमारा शरीर है, आफ्टर दिस यूज ये आपको 1 से 2 महीने के अंदर आपका जो ये शरीर है यहां से वॉटर जैसे गंदा निकलेगा आपका शरीर क्या करेगा, शेप में आना स्टार्ट करेगा। तो हमें ध्यान रखना है कि सेल्यूलोस कब यूज करना है, जब आपकी बॉडी के अंदर गंदा पानी है। और कैसे पता चलेगा, सिंपल है, आप अपना बॉडी को देखिए, चेक कीजिए, आपको जो पफिनेस लग रही है इसका मतलब हमारे बॉडी के अंदर है गंदा पानी। और परफेक्टली इसके लिए आपको क्या करना है, जो सपोज आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही, किसी वेलनेस कोच से आप गाइड कीजिए, हेल्थ कोच से आप नॉलेज लीजिए, और वहां से उनकी रिकमेंडेशन से आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें कितनी लेनी है, कब लेनी है, आफ्टर मील आधे घंटे बाद आपको इसको पूरे दिन में 2 टैबलेट लेनी है सेल्यूलोस की। उसके बाद आपको जैसे मैंने वो ऐसे वीडियो सेपरेट वीडियो में बनाया हुआ, वहां पे बताया कितना पानी, आधा लीटर आपको पानी उसके पीछे यूज करना है, इससे कि आप अपना बेस्ट रिजल्ट ले पाएंगे। अभी बात हो गई हमारी सेल्यूलोस, अभी बात करें कि सर ये हर्बल कंट्रोल क्या करती है। बहुत बार तो इसको दिया जाता है कि भाई आपका वेट लॉस हो जाएगा, यस आपका वेट लॉस इससे होता है, हर्बल कंट्रोल से वेट लॉस होता है, फैट लॉस होता है, लेकिन किस कंडीशन में और कब लेना है। सबसे मेन आपको एक चीज समझाता हूं मैं, हर्बल कंट्रोल कब मैं यूज कराता हूं मेरे कस्टमर को,
सपोज पहले महीने में उनका 5-6 किलो हो गया, दूसरे महीने में 5-6 किलो, और एक ऐसी कंडीशन आती है जहां पे वेट क्या करता है, रुक जाता है, हिलता नहीं है। मतलब कि पिछले 10-15-20 दिन से वेट जहां है वही है, वहां पे हमारा ये हर्बल कंट्रोल काम आता है। वो क्यों देना है, क्योंकि जो हर्बल कंट्रोल है ये क्या करता है, ये करता है आपको मेटाबॉलिज्म को थोड़ी आग लगाता है। जब भी आप हर्बल कंट्रोल लेंगे तो वो क्या करेगा, सपोज आप अपनी कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, 1000 कैलोरी इंटेक कर रहे हैं, अभी आपका जो बॉडी है वो उस कंडीशन में आ गया कि वो 1000 कैलोरी को क्या कर रहा है, बर्न कर पा रहा है, और वो मतलब एक उसका एक प्रोसेस हो गया, आदत हो गई अभी। लेकिन अब ज्यादा आप जैसे वेट लॉस ज्यादा करना है तो ज्यादा कैलोरी आपको बर्न करनी पड़ेगी, तो अब कैसे करें, मेटाबॉलिज्म तो उसकी उसी की आदत में आ गया है कि वो 1000 कैलोरी को बर्न कर रहा है, लेकिन अभी हमें चाहिए कि थोड़े ज्यादा कैलोरी बर्न करें जिससे कि हमारा और भी थोड़ा सा स्पीड आ जाए वेट लॉस के अंदर। तो वहां पे हम जैसे ही हर्बल कंट्रोल की टैबलेट लेते हैं और हमें हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको क्या लग जाती है, आग लग जाती है। आपका मेटाबॉलिज्म जो है जल्दी से उन चीजों को पचाता है और उसको वर्क में लगा देता है, जिससे आपका जो वेट लॉस है वो जो डिस्टर्ब हो चुका है, जो रुक चुका है, उसको क्या करता है, आगे बढ़ाता है और आपका वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसको भी कैसे लेना है, जैसे कि मैंने बताया, इसको आप पूरे दिन में 2 ले सकते हैं, आफ्टर मील इसको यूज करना है जिससे कि आपको अपना मेटाबॉलिज्म को सही करने में आपको मदद मिले। हाँ, एक चीज हमें ध्यान रखनी, वेलनेस कोच की गाइडेंस में तो लेना है, बट सपोज आपको बीपी वाली कोई दिक्कत है, आपको थोड़ा सा बीपी हो जाता है चीजों में, तो आपको क्या करना है, इसको डॉक्टर की सलाह के साथ इसको यूज करना है, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा कैफीन आता है, हाई कैफीन रहता है, जिससे कि आपकी बीपी की दिक्कत में इसमें आपको हो सकती है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसको यूज करें, जो सपोज बीपी है तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन, जिससे कि आपको बेस्ट रिजल्ट मिल पाए। यहां पे एक और जो चीज है वो, जैसे मैंने टाइम का तो बता दिया, आपको पूरे दिन में 2 लेनी है, आफ्टर मील आपको 1-1 टैबलेट लेनी है। और इन चीजों को देखिए, मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि यहां पे कंफ्यूजन है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि भाई कब कौन सी चीज लेनी है। ये आपको जब पता रहेगा, हर्बल लाइफ की हर एक चीज बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन बोला जाता है ना, क्यों लोग बोलते हैं कि किसी वेलनेस कोच की गाइडेंस में लेना चाहिए, उसका मेन रीजन है क्योंकि एक हर एक टैबलेट का एक अलग तरीका है, अलग तरीके से उसको लेना होता है, जिसमें हम बेस्ट रिजल्ट एज अ कस्टमर ले पाए। तो आपको ध्यान रखना है, इस पूरे वीडियो को लगे तो 2 बार देखिए और समझिए कि भाई कौन सा समय आया है मेरे को टैबलेट। और मैं पर्सनली मेरे कस्टमर को इसको मैं 3rd महीने में रिकमेंड करता हूं, उसका एक मेन रीजन है क्योंकि पहले महीने में तो वेट लॉस हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है, 2nd महीने में वाटर रिटेंशन हो रहा है, 3rd में क्या हो रहा है, जब आपका 7-8-10 किलो हो जाता है, फिर आप इसको यूज करते हैं जिससे कि आपको प्लेटो नहीं आता और आपको रिजल्ट बनाने में बेनिफिट मिलता है। यस, जो सपोज आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, प्लीज आप लाइक कीजिए और कमेंट में डालिए कि आपने कभी ये नॉलेज आपको कैसा लग रहा है और आपको और क्या दिक्कत आ रही है, जिससे कि मैं उसके ऊपर अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊं। और यस, नए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।